आज हमारा टॉपिक है भारत के बंदरगाह। बहुत कम समय यानी 10 मिनट से भी कम समय लेंगे और आपको भारत के बंदरगाह के बारे में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देंगे। बीपीएससी एग्जाम में सर पे कम समय में बहुत सारे चीज़ों को जानना है। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमसे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप ये जो मैप में दर्शाया जा रहा है पॉइंट, ये कांडला बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पर बना हुआ है। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह है। एक और फैक्ट, ये जो बंदरगाह है ये भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है। तो ये पहला हम लोगों ने कांडला बंदरगाह के बारे में देखा। मैप में मैं यहाँ सामने आपको पॉइंट भी कर दे रहा हूँ। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, दीनदयाल बंदरगाह भी इसे कहा जाता है और ये बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह से क्या होता है, तो भारत का अनाज निर्यात होता है और तेल आयात का केंद्र है। मीन्स भारत यहाँ से अनाज बेचता है, तेल खरीदने के लिए इस बंदरगाह का यूज करता है। दूसरे बंदरगाह पर आएंगे, गुजरात के ठीक नीचे मुंबई में दूसरा है मुंबई बंदरगाह। यह बंदरगाह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, जितने भी बंदरगाह हैं हमारे यहाँ इसमें आपको शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। तीसरा बंदरगाह आप यहीं पर थोड़े नीचे देख रहे हैं, JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यह देश के लगभग 50% कंटेनर कृत कार्गो को संभालता है और यह सबसे आधुनिक बंदरगाह भी है। इसको न्याहा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन बंदरगाह हम लोगों ने पश्चिम साइड में देखा, कांडला गुजरात, मुंबई और JNPT, ये दोनों महाराष्ट्र से है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। आगे आते हैं हम लोग, इसके थोड़ा और नीचे दक्षिण साइड आते हैं, मोरमुगाव बंदरगाह। ये एक एस्चुअरी पर बना हुआ है। मोरमुगाव बंदरगाह एस्चुअरी पर बना हुआ है। एस्चुअरी क्या होता है, ये नदी का जो फ्लो होता है इसके पार्ट में। मीन्स हम लोग आपको याद होगा पर्यावरण में हम लोग एस्चुअरी वगैरह पढ़ते हैं, लैगून एस्चुअरी, तो ये उसी एस्चुअरी की बात हो रही है। मैं आपको सेपरेट वीडियो में एस्चुअरी भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो लोग जानते हैं वो ये समझ जाए कि जो मोरमुगाव बंदरगाह है वो एस्चुअरी पर निर्मित है। यहाँ पे मैप में भी हम लोग देख पा रहे हैं एस्चुअरी ये वाला पार्ट होता है, जैसे नदी का जल फ्लो कर रहा है ना, दो अलग अलग पार्ट में फ्लो कर रहा है। ये जो बीच का जो लैंड वाला पार्ट होता है, खैर एस्चुअरी के ऊपर मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बना करके एक्सप्लेन करूंगा एस्चुअरी और लैगून इन सबको। वापस आते हैं, मोरमुगाव बंदरगाह जो है ये एस्चुअरी पर बना हुआ है और ये जो बंदरगाह है ये पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घूमने फिरने के लिए लोग यहाँ आते हैं। आपने ये फिल्म मुझसे शादी करोगी में इसके बारे में देखा था, इट इज़ मुझसे शादी करोगी, यस यस मुझसे शादी करोगी। सो मोरमुगाव बंदरगाह ईश्वरी पर बना हुआ है और ये पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय कुमार यहाँ घूमने के लिए जाता है, आप वो इससे आप याद रखेंगे। तो हम लोगों ने कांडला देख लिया, मुंबई देख लिया, JNPT और मोरमुगाव बंदरगाह ये देख लिया। अब पांचवें बंदरगाह पर आते हैं, जो इसके और थोड़े से साउथ साइड में जाएंगे, मंगलौर बंदरगाह। ये भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के पनम्बूर नामक स्थान पर है। इसे न्यू मंगलोर बंदरगाह और पनम्बूर बंदरगाह भी कहते हैं। देश का सातवां सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। सिक्स्थ नंबर बंदरगाह और नीचे हम लोग आते हैं तो कोचीन बंदरगाह है। और ये जो हम लोग कोचीन बंदरगाह के पास जब आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे अरब सागर के बंदरगाह हैं। इसमें अरब सागर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह अगर पूछता है तो वो कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह से नारियल की चटाई हो गया, रस्सी है, खोपड़ा, गिरी, नारियल का तेल, कहवा, रबड़,
फिर गरम मसाले, इलायची, काजू, इन सब का व्यापार होता है, ये आप समझ सकते हैं। आपने पश्चिमी तट को हम लोगों ने देखा, कांडला से शुरू करके कांडला गुजरात, फिर मुंबई JNPT, फिर मुर्मूगांव बंदरगाह, मैंगलोर और कोचीन बंदरगाह, तो ये हम लोगों ने पश्चिमी तट के देख लिए। अब हम लोग पूर्वी तट के कुछ बंदरगाह को देखते हैं। यहीं कोचीन बंदरगाह के राइट साइड में आप आएंगे तो सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, ये जो बंदरगाह है सबसे कम गहरा बंदरगाह है, जो एकदम नीचे पूर्वी तट के सबसे दक्षिणी क्षेत्र पर सबसे नीचे की ओर पाया जाता है। तो ये सातवां हम लोग का बंदरगाह था, तूतीकोरिन बंदरगाह। आप इसके थोड़े ऊपर आएंगे चेन्नई में, चेन्नई बंदरगाह है जिसको मद्रास पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये भारत का दूसरा और बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मीन्स जब हम लोग ये जो पूरब वाले एरिया में देख रहे हैं ना, तो ये बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम वाले में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी की जब बात होगी तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह होगा, और वैसे पुराना में भी ये तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है जो चेन्नई बंदरगाह है, स्थित है ये मद्रास पोर्ट पर। हाँ, तो भारत के बंदरगाह में हम लोग 9th नंबर पे आते हैं, ये है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये आप डिजिटली भी डील करता है, ये कामराजार पोर्ट है ये एन्नौर बंदरगाह, और ये अपने आधुनिकतम के लिए, आधुनिक जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके लिए जाना जाता है। मैं आपको ये फैक्ट्स भी कवर करा देता हूँ एन्नौर बंदरगाह को लेकर। अगला है विशाखापट्टनम, इसके थोड़ा ऊपर आप आ रहे हैं तो विशाखापट्टनम देखने को मिल रहा है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। प्राकृतिक और सुरक्षा की दृष्टि से ये लैंडलॉक बंदरगाह भी है, और इसके पास डॉल्फिन नोज पहाड़ बने हुए हैं। डॉल्फिन नोज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आकृति है वो जो हमारी मछली है डॉल्फिन, इसके नोज की तरह है। गोदावरी नदी के मुहाने पर है ये, और देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है ये भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का भी केंद्र है, और ये पनडुब्बी और जलयान बनाने का कारखाना भी यहाँ है विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जाने। भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित, चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके थोड़े ऊपर हम लोग आते हैं तो पारादीप बंदरगाह मिलता है। चावल के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये, यहाँ से चावल का निर्यात किया जाता है। आप पारादीप बंदरगाह को देख पा रहे, पूर्वी तट पे है और ये चावल के निर्यात के लिए जाना जाता है। थोड़ा और आगे आते हैं पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, हल्दिया बंदरगाह, यहाँ आपको पूरे मैप में पॉइंटिंग दिख रही होगी। हल्दिया बंदरगाह जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में है। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है ये अंडमान निकोबार में है, इनको बस हम लोग जगहों को जान लेते हैं। ये हम लोगों ने कवर किया बंदरगाह से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, 10 मिनट भी नहीं, मीन्स इससे भी कम समय में हम लोगों ने इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो इसमें आपका आप कह सकते हैं कि आपका रिविज़न हुआ, रिकलेक्ट किया। आप पहली बार जाने हैं तो भी आप वीडियो को स्लो करके इन सबको नोट्स डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराने का प्रयास है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको दिख रहा हो बताइएगा मुझे। वैसे तो मैं BPSC 17वीं के लिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब पे सेपरेट वीडियो बनाते आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। अभी इस वीडियो में इतना ही।